हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो इज फॉर दोज गाइज जिनको 1660 Ti का ही आशीर्वाद चाहिए। उनका यही मन है कि ये GPU ही उनके लाइफ में उनके साथ उनका विकास कर सके। सो आज हम उनके विकास के लिए मनोकामना करते हैं एंड NVIDIA देवी को दो फूल चढ़ाते हुए बढ़ते हैं आगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, एक सनसनीखेज खबर। HP से प्रसन्ना मोघे ने ये कन्फर्म कर दिया है कि नेक्स्ट वीक 1660 Ti एंड 4600H वाला Omen लॉन्च हो जाएगा ऑन Amazon एंड Flipkart। सो जिन लोगों ने इस लैपटॉप के लिए पड़ोसी अंकल का टीवी बेचा था लास्ट टाइम, वो अब उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं तो। एंड वन ऑफ अवर वेरी फेमस एंड भरोसेमंद टेक आतंकवादी ग्रुप के लीडर फ्रॉम अवर डिस्कॉर्ड सर्वर GTX1660 गेमिंग, ये उसका यूजर नेम है। वैसे उसकी इच्छा थी कि उसका यही नाम रखा जाए, बट सैडली सपना सच नहीं हो पाया। एनीवेज, दिस कूल गाय शेयर्ड अ वेरी कूल इन्फॉर्मेशन दैट हिज GPU इज वेरी हॉट, विच इज GTX1660 फ्रॉम ASUS TUF। सो एज पर हिज रिव्यू, ASUS TUF का GPU बहुत ही बेकार GPU निकला। नो हीट सिंक इनसाइड एंड नॉर्मल लो एंड गेम्स में भी अप्रॉक्स 90 डिग्री टेम्परेचर एंड 100% लोड बताता है। सो अगर आप डेस्कटॉप बिल्ड में हो और इस GPU को कंसीडर कर रहे हो, देन थिंक अगेन। पता चला तुमने 1660 का बिल्ड बनाया एंड उस पे डक हंट ही खेल पा रहे हो बस। सो आई विल रिक्वेस्ट माय फ्रेंड टू हेल्प यू इन कमेंट सेक्शन विद राइट इन्फॉर्मेशन। थैंक्स अ लॉट ब्रो इन एडवांस। नाउ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो एंड चलते हैं इस रहस्यमय दुनिया के अंदर जिसका नाम है टेस्टिंग RTX। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, हम यहाँ ऐसे ही टाइम पास करते हैं एंड उसके साथ कुछ नया सीखने की कोशिश भी करते हैं, बट हम कितना सीख पाते हैं ये तो आपको कमेंट सेक्शन में ही मालूम पड़ेगा। सो इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया है मैंने। फर्स्ट पार्ट विल डिस्कस अबाउट न्यू कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप, फिर आधे वीडियो में विल डिस्कस अबाउट ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप्स एंड ऑल्सो हम बात करेंगे कि व्हाट्स द लॉस एंड गेन इन बोथ। सो विद न्यू कॉन्फ़िगरेशन, ये है लैपटॉप जिसमें से कुछ मुझे लगता है कि आपको नदी पार करा सकता है, स्पेशली फॉर गेमिंग, ग्राफिक वर्क एंड 3D वर्क्स, क्योंकि 1660 Ti एक पावरफुल GPU है। फिलहाल तो नेक्स्ट 2-3 साल शायद आपको अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस दे सके, उसके बाद में भी आपको स्लोली आपका रेजोल्यूशन या गेमिंग सेटिंग्स कम करना पड़ेगा टू प्ले न्यू गेम्स। फॉर 3D रेंडरिंग एंड ग्राफिक्स पर शायद आपका साथ कुछ दिन और दे सके। वैसे इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन CPU जो कि हर लैपटॉप में थोड़ा डिफरेंट है। सो चलते हैं उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सो इन सब में आई वुड से कि बेस्ट इन बजट इज Omen 15 विद 4600H एंड 1660 Ti जो कि आपको 86,000 में मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। नाउ Flipkart एंड Amazon में ये आने वाला है, तो जिन लोगों को ये खरीदना है वो Amazon में एक आंख एंड दूसरे आंख Flipkart के ऊपर बनाए रखें। ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज 60Hz का स्क्रीन, बट वो भी नेक्स्ट ईयर नहीं रहेगा एंड स्क्रीन फ्लेक्स का भी थोड़ा है, बट संभाल करके यूज करो भाई। इतने सस्ते में अगर आपको लैपटॉप मिल रहा है तो आपको इसे खरीद करके यूज करना चाहिए। वैसे आप चाहो तो एक यूज्ड मॉनिटर ले सकते हो 120Hz का, आपका काम चल जाएगा उसमें। एक्सेप्ट दिस, Omen के सारे कुछ बेहतरीन है विद कूलिंग सिस्टम एज वेल। हाँ, 100% sRGB आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए थोड़ा और खर्च करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट ऑप्शन जितने भी हैं सारे टाटा नैनो के ऊपर वाले हैं इन न्यू मॉडल्स, एक्सेप्ट ASUS स्टफ A15 जो कि आपको 92,000 में मिलेगा। कल तक ये 98,000 था, आज तो ये सोल्ड आउट भी हो गया है। इट कम्स विद राइजन 7 4800H एंड 1660 Ti, 16GB रैम, 17.3 इंच डिस्प्ले विद 120Hz रिफ्रेश रेट, 1TB हार्ड डिस्क ड्राइव, 256GB SSD। बहुत ही जानलेवा कॉन्फ़िगरेशन है। एट द सेम टाइम इसको थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम है, ये बात बात पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। कुछ ज्यादा ही लोड पड़ने पर तो बस मत पूछो, जहर ही उगलेगा सीधे। सो अगर आपका बर्फ का बिजनेस है या आप स्वयं बर्फ में बैठे रहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना थोड़ा हीट का इशू है, आप कुछ जुगाड़ लगा करके इसको खरीदने का प्लान बना सकते हैं। एंड आज का एक उत्तम विचार मैं बता दूं, आई गेस फॉर 1660 Ti लैपटॉप 1,00,000 से ज्यादा फंसाने में समझदारी नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाए तो चलेगा, बट नॉट मोर देन दैट। बाकी का घर पे राशन लेकर के आ जाना, पापा भी खुश रहेंगे नेक्स्ट ईयर लैपटॉप के लिए। वैसे भी अब जब 3070 जैसा पावरफुल GPU आ गया है विद बजट प्राइस, देन गेम डेवलपर्स भी हाई एंड ग्राफिक्स एंड प्रोसेसिंग पावर को चूसने लायक गेम्स तो बनाएंगे ही। उस समय आपका GTX 1660 Ti को परफॉर्मेंस कितना दे पाएगा वो आपको सोचना चाहिए। सो फॉर 2-3 ईयर्स 1,00,000 रुपए से ज्यादा फंसाना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। कमेंट करके आप बताएं आपका क्या सोचना है। यस, फॉर वर्क और लर्निंग पर्पस ये सही है थोड़ा, क्योंकि मे बी आपको कुछ साल एक्स्ट्रा दे सके एंड इन द एंड यू कैन लर्न समथिंग न्यू जो आप अपने लाइफ में कुछ इस्तेमाल कर सको एंड सिविल इंजीनियरिंग करके कुछ घर भी गिरा पाओ। सो आगे के सारे लैपटॉप्स 1,00,000 से ज्यादा के हैं, जिसमें पहला है विद इंटेल 10th जन 10 750H प्रोसेसर के साथ। ये बड़ा ही आंदोलनकारी प्रोसेसर है, हर लैपटॉप में इसको अपनी जगह चाहिए। भले ये राइजन 4600H से भी गंदा परफॉर्म करे, बट स्टिल ना मम्मी हमको तो अपने हिस्से का जमीन चाहिए ही। सो इसके नाम का पहला जमीन है ROG Strix G15, बट डोंट वरी, आपको गेमिंग के परफॉर्मेंस में अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा लाइक विद 4600H, बट बाकी सब मल्टीटास्किंग में AMD परफॉर्म्स बेटर। सो ये लैपटॉप भी सेम
सेम है लाइक TUF A17, एक्सेप्ट इसमें आपको मिलेगा 144Hz 15.6 इंच स्क्रीन, 4 जोन कीबोर्ड, 1TB SSD, बट प्राइस डिफरेंस इज अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपया, 25,000 रुपीज। देन TUF A17, इसका कूलिंग का कुछ खास आउटपुट नहीं मिलता है, बट लिटिल बिट बेटर देन TUF A17। इसके लिए आपको बर्फ की फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ेगी, बट इसका कूलिंग परफॉर्मेंस इज नॉट लाइक ओमेन 15। इसका प्रोसेसर पे लिक्विड कंपाउंड है जिसको फिर से लगवाने के लिए आपको पापड़ बेलना पड़ सकता है, और इसमें मिलेगा आपको दिवाली लाइट्स भी फ्री। इसका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख। नेक्स्ट इसका छोटा भाई अनदर ROG Strix विद सेम कॉन्फिगरेशन, ओनली 17.3 इंच स्क्रीन एंड 512GB SSD एंड दिवाली लाइट्स। इसका प्राइस 1.16 लाख है। ROG Strix में बहुत से लैपटॉप है विद डिफरेंट कॉन्फिगरेशन जो कि आपको 1660 Ti के साथ मिलेगा। ये इनका खानदानी GPU है, सो परंपरा एंड अनुशासन निभा रहे हैं। नेक्स्ट इज डेल G3। इसमें आपको मिलेगा 10750H एंड 1660 Ti, 16GB RAM एंड 512GB SSD, 15.6 FHD, 120Hz स्क्रीन। कूलिंग का थोड़ा इशू है इसमें क्योंकि हीट पाइप्स बहुत कम है एंड फैंस भी ऑर्डिनरी सेटल्ड ही है। इसका प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली 1.03 लाख। इसके लिए भी आपको बर्फ सिल्ली की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट इज ओमेन 15 विद इंटेल प्रोसेसर जिसका प्राइस 1.34 लाख है। इसमें आपको मिलेगा इंटेल 10750H प्रोसेसर, 16GB RAM, 1TB SSD, 100% sRGB एंड 120Hz का स्क्रीन, बट आई गेस 1.35 लाख इज टू मच फॉर 1660 Ti लैपटॉप। इसको यहीं पर ड्रॉप करने में बेटर रहेगा। अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसका डिटेल देख सकते हो। नेक्स्ट अ ट्रू स्टोरी। सो 1660 Ti दो जुड़वा भाई थे, बट उसमें से एक को एनवीडिया ने दूध के नाम पे चूना पानी पिलाया, सो वो थोड़ा कमजोर निकला, जिसका बाद में नाम रखा गया 1660 Ti Max Q। सो आई वुड से कि उस भाई को अपने घर पर मत लाना, वरना चूना लगा परफॉर्मेंस ही मिलेगा आपको। हाँ, अगर 1650 Ti के आसपास प्राइस में मिलता है, लाइक 5-8 हज़ार के फर्क में मिल जाता है, देन यू कैन गो फॉर दैट चूना पानी वेरियंट, और एल्स आई वुड से कि मत ही खरीदो। ये आपको जेफायरस वाले सीरीज में मिलेगा, कुछ लिनोवो सीरीज में भी मिल जाएगा शायद। अब चलते हैं ओल्ड लैपटॉप्स के सेक्शन में, एंड इन ओल्ड लैपटॉप सेक्शन यहाँ भी अपना 1 लाख का ही बजटवा रखा गया है, बल्कि मैं बोलूंगा जितना कम में मिले उतना अच्छा है। सी, ये तो क्लियर है कि हर चिप का एक अपना लाइफ होता है, 3-4 साल के बाद उसका सांस फूलना कंफर्म है। सो आप अगर 9th जनरेशन वाला लैपटॉप ले रहे हैं, उसका 1 साल लाइफ का कम ऑलरेडी हो चुका है, एंड आप उसको और ज्यादा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको और 2 साल के बाद में नया लैपटॉप लेना ही पड़ेगा, तो फिर इतना लंबा खर्चा करना क्यों? इट मेक्स नो सेंस। एंड प्लीज डोंट बाय लैपटॉप्स विद 3550H एंड 3750H प्रोसेसर, और आई वुड से कि इवन 9300H के साथ भी आप मत खरीदो, ये बेकार ऑप्शन है। इनमें से दो का तो मुझे पता नहीं, बट एक 3550H तो कंफर्म आपके परफॉर्मेंस को बॉटलनेक करेगा। सो इस लिस्ट में पहला है MSI GF65 विद कोर i5 9750H। सो ये प्रोसेसर 6 कोर एंड 12 थ्रेड वाला है, जिसका बेस इज 2.6 GHz एंड बूस्ट अप टू 4.5 GHz। सो ये प्रोसेसर कुछ ही परसेंट कम परफॉर्म करता है देन योर 10750H। सो इस लैपटॉप का प्राइस 1.09 लाख, एंड इसमें आपको मिलेगा 512GB SSD। इसमें 2 स्लॉट्स हैं फॉर SSD, डिस्प्ले 15.6 इंच, FHD 120Hz रिफ्रेश रेट, 8GB RAM एंड मोर। अगर जानना है तो आप नीचे लिंक में जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। सो ये लैपटॉप आपको सेल में आई गेस ऑल विद ऑल डिस्काउंट 1 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगा, सो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट इज एसर प्रीडेटर हेलियोस 300 विद 9750H एंड 1660 Ti, वेरी पावरफुल लैपटॉप, बट अगेन वेरी कॉस्टली। इसका प्राइस इज अप्रॉक्स 1.2 लाख। So, इतना ज्यादा मुझे सही नहीं लगता है 1660 Ti के लिए आपको फंसाना। इससे बेहतर आपको 2060 मिल जाएगा आज भी ऑन सेल, सो बेटर गो फॉर दैट। नेक्स्ट इज डेल इंस्पिरॉन G3 गेमिंग। इसका प्राइस है 1.09 लाख, सो बेटर गो फॉर न्यू G3। इन दोनों में ही कूलिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ सस्ते मॉडल की तरफ में। इसमें आप ये बात याद रखो कि इसमें आपको प्रोसेसर 9300H, वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ ओल्ड वाला ही मिलेगा। फर्स्ट इज निट्रो 7। सो अगर आपका प्लान सिर्फ 2 साल का है या फिर 1.5-2 साल गेमिंग खेलने का ही है, देन गो फॉर दिस वन, और एल्स मत लो। इसका प्राइस इज 83,000। नेक्स्ट इज निट्रो 5 ओनली विथ 9300H एंड 1660 Ti। इसका प्राइस है 75,000 रुपया, 75,000। इसमें आपको मिलेगा 1TB हार्ड डिस्क ड्राइव, 256GB SSD, स्क्रीन इज 17.3 इंच, बाकी सब सेम है। ये शायद सबसे सस्ता आइटम है इस लिस्ट में, चीप क्वालिटी, बट ध्यान से यूज करो फॉर मैक्सिमम 1.5-2 साल। उसके बाद ये आपको मूवी या स्टार प्लस की सीरियल देखने में काम आएगा, उसके बाद में आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करने का भी काम आ सकता है, उसके बाद भाई मैं बोलूंगा कि 5 मिनट क्राफ्ट वाले को ही दे देना, बस उससे ज्यादा यूज
मत करना, वरना एसर घुटनों के बल आपके घर तक चल करके आएगा और भीख मांगेगा आपसे, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। सो ये दोनों कम प्राइस में अवेलेबल है, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस वन एज प्रोसेसर इज रियली वीक फॉर 2020। वैसे अप्रॉक्स सेम कॉन्फ़िगरेशन में आपको लिनोवो वाईफाई 40, प्रीडेटर, आरओजी ये सब भी मिल जाएंगे लास्ट ईयर का, बट उनका प्राइस काफी ज्यादा है। सो अगर आप ओल्ड ही लेने का प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट गो फॉर i7-9750H प्रोसेसर एंड ट्राई टू सी इफ 1 लाख से कम में आता है तो। फिलहाल बहुत से लैपटॉप और भी हैं बट शायद नन इज अवेलेबल नाउ एंड मेरे हिसाब से शायद आएंगे भी नहीं फ्यूचर में, क्योंकि भाई 2020 वाले ही स्टॉक में नहीं आ रहे हैं, 2019 वाले कब आएंगे क्या पता। सो ये थे कुछ लैपटॉप्स एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। मेरे हिसाब से अगर ओल्ड लेने जा रहे हो तो जितना हो सके कम खर्च करो, क्योंकि आई एम श्योर 2 साल के बाद में तुम्हें नया लैपटॉप लेना ही पड़ेगा, उसका जरूरत पड़ेगा ही आपको। अगर आप अभी ही इतना ज्यादा फसा दोगे तो 2 साल के बाद में पापा मानने वाले नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। कितने काम के हैं एंड कितने काम के नहीं है ये आप कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।